अस्सलाम वालेकुम, आज हम आपके साथ शेयर करते हैं पिज़्ज़ा डो की एक केजी की रेसिपी। सबसे पहले एक कप पाउडर हमने 6 ग्राम ले लिया, एवरीडे आ गया 10 ग्राम। ईस्ट ऐड करेंगे 12 ग्राम, साल्ट आ गया 20 ग्राम, आइसिंग शुगर आ गई 18 ग्राम। इसमें हमने 1 केजी मैदा ऐड करना है, इसको अब अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अभी इसमें हमने ये एक अंडा ऐड किया है। अभी इसमें हमने तकरीबन 450 ग्राम पानी ऐड करना है। टोटल अंडे और पानी का वजन मिला के 500 ग्राम कर देना है। अब इसमें ऐड करेंगे 60 ग्राम ऑयल, अभी इसको हाथों की मदद से बनाना है। डो को अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर देना है। अब हमारी डो ये रेडी होना शुरू हो गई है। अब मैंने ग्लव्स उतार दिए क्योंकि ग्लव्स लगा कर सही डो नहीं तैयार होती है। ये देखिए माशाल्लाह हमारी डो तैयार हो गई है। अब माशाल्लाह हम इस पिज़्ज़ा बना के आपको दिखा रहे हैं। ये हमने मीडियम पिज़्ज़े की डो ली है 288 ग्राम। अब इसको हमने बेल लेना अच्छे तरीके से। ये डो हमारी बेली गई है। अब सबसे पहले हमने एक पैन लेना, उसमें ऑयल लगाना अच्छे तरीके से। अब डो को इसके अंदर प्रूफ होने के लिए रख देना तकरीबन आधा घंटे के लिए। ये हमने रख दिया आधे घंटे के लिए। डो को तकरीबन आधा घंटा हो गया, ये हमारी डो माशाल्लाह प्रूफ हो गई है। अब हम इसको टॉपिंग करेंगे। सबसे पहले हम लगाएंगे सॉस। पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी दी हुई है, और ये चिकन टिक्का इसकी भी रेसिपी मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी दी हुई है। लगाने के बाद हमने ये चीज़ ऐड करनी है इसके ऊपर। ये देखिए हमने चीज़ ऐड कर दी है। इसके ऊपर हमने सबसे पहले लगानी है कैप्सिकम, शिमला मिर्च लगा लिया। इसके बाद हमने टमाटो ऐड लगाने हैं इसके अंदर। ये टमाटो भी हमने लगा लिए हैं, और नेक्स्ट रह गया ब्लैक ओलिव भी हमने लगा लिए हैं। तकरीबन इसको हमने ओवन के अंदर लगाना है 6 मिनट के लिए। ये 6 मिनट पूरे हो गए हमारे, हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो गया है। अब इसके हमने कटिंग करनी है, 6 स्लाइस करने मीडियम के। ये देखिए माशाल्लाह हमारा पिज़्ज़ा बहुत ही मैदे का रेडी हो गया है। अब हम इसको ट्राई करेंगे। वाह मज़ा आ गया।